तारिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया, मुर्शिद पिया। अताओ फैज का दरिया शाज साब ही तो गए, मेरे मुर्शिद मेरे आका शाज साब ही तो गए। कलियां खिली जिसमें कई गुल जिस्म महके हैं, कई कलियां खिली जिसमें कई गुल जिस्म महके हैं, कई गुल जिस्म महके हैं। चमन ऐसा विलायत का शारिफ आप ही तो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी, नॉर्थ कराची, पाकिस्तान कॉल सेंटर शोबा तिब की जानिब से मैं मियां हुज़ूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपसे एक अहम मौजू पर बात करूँगा। ये मालूमात इंशाअल्लाह आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। नाज़रीन, मैदा इंसानी जिस्म का सबसे अहम जुज़ है। हमारे यहाँ हुक्मा में मैदे की बीमारियों को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। मैदा इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा गुदूद है और मैदा अगर अपने अफवाल दुरुस्त तौर पर सरंजाम ना दे तो इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसका बरवक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये बीमारियाँ जिस्म में अपना घर कर लेती हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी शेख तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी दामत बरकातहुम कुदसिया ने मैदे के अफवाल के ऊपर रिसर्च करके अक्सीर मैदा कोर्स तशखीस दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स से आप मैदे के अफवाल दुरुस्त कर सकते हैं, कब्ज़ की शिकायत दूर होगी इंशाल्लाह, खट्टी डकारे आना, उपकाइयाँ आना, अल्सर की शिकायत, गैस की शिकायत, आँतों में सूजिश, आँतों की खुश्की हो जाना, आँतों में खुश्की पैदा हो जाती है, इस शिकायत को भी दूर करेगा इंशाल्लाह। और मैदे की सूजिश, मैदे में वर्म रहना, मैदे को भारीपन महसूस होना, इन सारी चीज़ों के लिए एक मुकम्मल दवा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको एक छोटी सी होम रेमेडी बता दूँ। एक ग्लू टोटका, एक टेबल स्पून जो है आप सौंफ ले लें, इसके साथ साथ आप एक टेबल स्पून नींबू का रस ले लें और 3 से 5 सब्ज़ इलायची, जिसे हम आम जबान में छोटी इलायची कहते हैं, सब्ज़ रंग की होती है, वो आप इसके साथ 3 से 5 दाने ले सकते हैं। इसको आप एक गिलास पानी में इसको डालें और इसको पकने के लिए रख दें। 10 मिनट इसको पकाएं। जब ये कावा जो है 1 कप पानी रह जाए तो आप इसको छान कर, जैसे आप चाय पीते हैं, कावा पीते हैं, इस तरीके से इस कावे को पीना है आपको, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। इसके साथ साथ मैं आपको एक अमल बताता चलूँ, इंशाल्लाह ये अमल भी जो है आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। ये अमल जो है, आप सुबह जो नाश्ता करेंगे, रात का खाना खाएंगे, आप वज़ू करके नाश्ता करें, वज़ू करके खाना खाएं और हर निवाले से पहले आप या वाजिदों का विर्द रखें। खाने के दौरान या वाजिदों पढ़ें हर लुकमे से पहले और या वाजिदों पढ़ के आप वो लुकमा खाएँ, इंशाल्लाह वो लुकमा आपके मैदे में नूर बनकर उतरेगा और इससे जो भी मैदे की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, वो आपके लिए जो है अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसमें जो है वो शिफा डालेगा और आपको उससे शिफा होगी। और इसके अलावा अगर आप से कोई तिब्बी मशवरा लेना चाहते हैं, रूहानी मशवरा लेना चाहते हैं, रूहानी इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से मशवरा करना चाहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉल सेंटर के ऑफिशियल नंबर जो है वो दिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप इन नंबर्स पे कॉल करके जो है वो रابطہ कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको मखलूक़ खुदा की, मियां हुजूर की, दीन की और सिलसिले की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल।